अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हो और मिल करके हम पार्टी करें ऐसा आप चाहते हो तो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप मीट एंड ग्रीट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और हम लोग इकट्ठा एक साथ मिलेंगे और बहुत सारी मस्ती और पार्टी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप मेकअप करते हो और आपको ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद आपका मेकअप थोड़ा काला पड़ने लग जाता है तो ऐसा क्यों पड़ता है और क्या होम रेमेडीज हैं कि आपका मेकअप काला ना पड़े। बहुत ही आसान से घरेलू नुस्खे हैं, ट्राई करोगे तो मेकअप काला नहीं पड़ेगा और लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात, मेकअप करने से पहले अच्छी तरह से फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद फेस को टोन कर लीजिए। टोनर लगाने के लिए आप नॉर्मल रोज वाटर भी लेते हो, उससे कॉटन पैड में डाल करके अपना चेहरा ऐसे वाइप करोगे तो आप अपनी स्किन को टोन कर सकते हो। टोन करने से आपका स्किन का पीएच लेवल अच्छे से मेंटेन हो जाता है और आपकी स्किन तैयार हो जाती है अगला दूसरा कोई प्रोडक्ट फेस पे लगाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आपका मेकअप काला होता क्यों है। आपका मेकअप तभी काला होता है जब आपके स्किन से ऑयल निकलती है, ऑयल सीबम निकलता है, फाउंडेशन और आपके फेस से निकला हुआ ऑयल दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्ट करने से ऑक्सीडाइजेशन होता है और ऑक्सीडेशन की वजह से आपकी स्किन काली पड़ने दिखने लग जाती है, मतलब फाउंडेशन काला पड़ने लग जाता है और ऐसा लगता है कि कैसा मेकअप किया है, बहुत ही गंदा लगता है। तो इसको रोकने के लिए आप अगर मेकअप से पहले, मॉइस्चराइजर लगाने से भी पहले आइस मसाज दोगे अपने फेस के ऊपर। इस तरीके से आइस को मसाज करना है अपने पूरे चेहरे पे कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए। ये करने से आपके ओपन पोर्स बंद हो जाएंगे, आपके स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है वो निकलना कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा। तो अगर आपके फेस से ऑयल निकलेगा ही नहीं तो आपके स्किन में फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, इस तरीके से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। अगले स्टेप में आप अपने फेस को अच्छी तरह से हाइड्रेट करेंगे, मॉइस्चराइज करेंगे। एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाइए आपके स्किन टाइप के हिसाब से। अगर आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज नहीं किया तो आपके स्किन से ऑयल भी निकलेगा और आपका मेकअप ड्राई, केकी, पैची भी लगेगा, तो मॉइस्चराइज करना ना भूलें। अब बारी आती है प्राइमर की। प्राइमर अगर आप अपने फेस के ऊपर लगाते हो तो आपके मेकअप को होल्ड करता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, मेकअप को काला होने से भी रोक करके रखता है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने फेस पे थोड़ा सा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर अगर लगा ले तो। अगला स्टेप है फाउंडेशन, लेकिन ध्यान रहे, मेकअप को अगर काला होने से बचाना है, लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो फाउंडेशन से पहले आपको लगाना होता है प्राइमर। मैं यहाँ पे सिलिकॉन बेस NYB का प्राइमर लगा रही हूँ। मार्केट में बहुत सारे प्राइमर्स अवेलेबल हैं, बट वो काफी महंगे होते हैं, उनकी स्टार्टिंग रेंज ही 400-500 से होती है। लेकिन आप बजट में अगर कोई फेस प्राइमर ढूंढ रहे हैं तो NYB का ये वाला प्राइमर मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ। ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, मेकअप को होल्ड करके रखेगा, ओपन पोर्स को क्लोज कर देगा और एकदम स्मूथ आपकी स्किन को लगाते ही कर देगा। अगला स्टेप आपका आता है फाउंडेशन। अगर आप बजट में कोई फाउंडेशन और कंसीलर ढूंढ रही हैं तो आप NYB का ये वाला कंसीलर जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है। आपको इसको लगाने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर या मेकअप ब्रश की भी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल हाथों से भी ब्लेंड कर सकती है। कवरेज अच्छा देता है और स्किन के ऊपर बहुत स्मूथ होता है और अब तक का ये बेस्ट फाउंडेशन है इस रेंज में। तो जब आप फाउंडेशन लगाए तो ये ध्यान रखें कि आप अपने स्किन टोन का सेम फाउंडेशन ना ले। अगर आपको लगता है आपकी स्किन ऑयली है, ऑयली होने की वजह से आपका मेकअप काला पड़ जाता है, तो आप सेम कलर का फाउंडेशन यूज ना करें। आप अपने स्किन टोन से 1 से 2 शेड लाइटर फाउंडेशन यूज कर सकती है, क्योंकि 1-2 घंटे बाद जब आपका फाउंडेशन किसी न किसी वजह से ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट कर देगा तो फाइनली ऑक्सीडाइज होने के बाद आपके स्किन टोन से वो मैच करेगा अगर आपने लाइटर फाउंडेशन यूज किया तो। अगर आप अपने स्किन टोन का ही फाउंडेशन यूज करती हैं तो वो अगर ऑक्सीडाइज होने लग गया तो आपका कलर ब्लैक हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क ऑरेंजिश दिखेगा। तो बेटर रहेगा 1 से 2 टोन लाइटर फाउंडेशन आप यूज करें। तो NYB का ये फाउंडेशन स्टिक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, बजट में आता है, बहुत सारे वैरायटीज और शेड्स आपको मिल जाते हैं। जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो यहाँ पे NYB में बहुत अच्छा सेल चल रहा है। अगर आप 5 NYB के प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो आपको पे सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स का करना पड़ेगा, बाकी के 2 प्रोडक्ट्स आपको फ्री में मिलते हैं। तो पे 3 का करोगे और 5 चीजें मिलेंगी, ऐसा ऑफर और कहाँ मिलेगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कोड भी दे रखा है, तो वो यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। फाउंडेशन लगाने के बाद आप अपने फेस पे लूज पाउडर, बनाना पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर जरूर लगाएं, इससे आपका मेकअप एक जगह पे स्थायी हो जाता है, स्टे करता है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। फाउंडेशन लगाने के बाद अगर आप डे टू डे मेकअप की बात करें तो आप सीधे से लाइनर या काजल लगा लेती हैं। तो यहाँ मैं आपको ये कोल काजल दिखा रही हूँ, एप्पल ऑफ माय आई, ये भी NYB का है।
बहुत अच्छे से आपकी आइस के ऊपर ग्लाइड होता है। जेट ब्लैक कलर है इसका, स्मर्ज प्रूफ, वाटर प्रूफ है और बहुत ही ज्यादा सस्ता है। ये बेस्ट काजल है इस रेंज में। इतना ज्यादा सस्ता काजल मैंने और कहीं नहीं देखा। और भी काजल आते हैं जो इतने सस्ते होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। एनवाईवी के इस काजल की क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई है। अगर आप चाहते हो आपका काजल स्मर्ज ना हो तो आप नॉर्मली एक ब्रश से कॉम्पैक्ट पाउडर लगा करके काजल के आसपास वाले एरिया में इस तरीके से अगर लगा देती है तो चाहे कुछ भी हो जाए आपका काजल एक जगह पे रहता है, बिल्कुल हिलता नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट काजल है, ट्रस्ट मी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये वाला काजल अगर आप ट्राई करते हैं तो। अगर आपकी लिपस्टिक स्मर्ज प्रूफ होने के बावजूद भी स्मर्ज हो जाती है, एक जगह पे टिक के नहीं रहती है, तो वो कुछ कुछ छोटी गलतियों की वजह से होती है। हमेशा लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप्स के ऊपर फाउंडेशन या फिर कंसीलर एक हल्का सा लगा लीजिए। उसके बाद आप अपने लिप्स के ऊपर लिप लाइनर जरूर लगाइए। पहले आउटर लाइन में लगाइए, उसके बाद अंदर लिप लाइनर को फिल कर दीजिए। मैं यहाँ एनवाईबी का लिप लाइनर लगा रही हूँ जो कि बहुत इजिली ग्लाइड हो जाता है, पिगमेंटेशन भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर आप इसके ऊपर अब लिपस्टिक लगाती हैं, आप कोई सा भी लिपस्टिक लगाए, मैं यहाँ एनवाईबी की ही लिपस्टिक लगा रही हूँ क्योंकि ये मैट में और मैट लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये क्रीमी मैट है, बहुत अच्छे से ग्लाइड होती है, पिगमेंटेशन इसका भी अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो अब मैं कुछ ऑयली भी खाती हूँ ना, तो अगर इनकेस अगर आपकी लिपस्टिक हटती भी है ना, तो क्योंकि लिप लाइनर और फाउंडेशन वहां लगा रखा है आपने, तो लिपस्टिक अपनी जगह से हटती नहीं है, स्मर्श नहीं होती और एक जगह टिक करके रहती है। तो ये लिपस्टिक लगाने का बेस्ट तरीका होता है। तो जो भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं, इससे आपका ना काजल ब्लीड करेगा ना लिपस्टिक ब्लीड करेगी और आपका मेकअप काला भी नहीं पड़ेगा। मैं अपने व्यूवर्स को एक एडवाइस देना चाहूंगी कि मेकअप खत्म होने के बाद आप सेटिंग स्प्रे जरूर यूज कर लिया कीजिए। इससे भी आपका मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग बनता है और काला भी ना हो, इससे में हेल्प करता है। इनकेस आप फाउंडेशन लवर नहीं है और डे टू डे लाइफ में हम फाउंडेशन लगाना चाहते भी नहीं, क्योंकि फाउंडेशन तो हम इवेंट्स पे ही लगाते हैं, मतलब नॉर्मल लड़कियां डेली लाइफ में फाउंडेशन नहीं लगाती हैं, तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में बीबी क्रीम लगा सकती है। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ स्कूल कॉलेज ऑफिस गोइंग गर्ल्स को कि डेली यूज में आप बीबी क्रीम जरूर लगा लिया कीजिए। अगर आप कोई रीजनेबल बीबी क्रीम ढूंढ रही है अफोर्डेबल, तो यहाँ पे एनवाईबी का ये बीबी क्रीम है, 3 शेड्स आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अक्सर देखा जाता है बीबी क्रीम में शेड्स नहीं मिलते हैं, तो ये 3 अलग अलग शेड है। आप देख लीजिए कि आपकी स्किन टोन से मैचिंग का कौन सा शेड है, वो अगर आप लगाती हैं, ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, मॉइस्चराइज तो करता है, ये हल्का सा टिंट ऑफ फाउंडेशन भी इसके अंदर होता है, तो अगर आप लगाओगे तो ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा क्योंकि ये फाउंडेशन की तरह ज्यादा कवरेज नहीं देता है। अगर ये कवरेज देता तो ये ऑक्सीडाइज होता और मेकअप काला हो जाता, लेकिन ये ज्यादा कवरेज नहीं देता तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा और आपका फेस दिन भर ग्लोई ड्यूई और बहुत ही अच्छा सा स्किन टेक्सचर स्किन टोन लगता है। तो डेली वेयर में बीबी क्रीम जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। तो ये तो मेरी टिप्स होगी जिससे अगर आप यूज करते हो तो आपका मेकअप कभी भी काला नहीं पड़ेगा, और इसके बाद भी अगर आपका मेकअप काला पड़ता है तो आप चेक कर लीजिए कि आप जो फाउंडेशन यूज कर रही है ना, हो सकता है कि उसकी क्वालिटी या उसका इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को सूट ना कर रहा हो। तो अलग अलग फाउंडेशन ट्राई करते रहा कीजिए और देखिए कि आपकी स्किन को सूट करने वाला बेस्ट फाउंडेशन कौन सा है। चलो बहुत हो गए टिप्स, अब मैं आपको खुशखबरी देती हूँ। आप लोगों से मिलने की मेरी बहुत ही ज्यादा इच्छा थी, मैंने लास्ट टाइम भी बहुत सा प्लान करके रखते, तो प्लान किया है 29th September 2018 कमिंग सैटरडे मैंने मीट एंड ग्रीट का प्लान किया है। वेन्यू सब क्या है आपको मैं मेल करके बताऊंगी, और आपको मेल मैं तभी करूंगी जब आप मुझे मेल करके बताएं कि आप उस दिन फ्री हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मेल करके देना है। मेरा सवाल यह है कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं, तो अब इसके जवाब मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग देंगे। जो भी इसका जवाब जल्दी देगा और बेस्ट आंसर जिसका होगा, जो बहुत ज्यादा जेन्युइन लगेगा, मैं उनसे पर्सनली मेल करूंगी और उनको एड्रेस मेन्यू वेन्यू सब दूंगी कहां हम मिलने वाले हैं और इस तरीके से हम मिल पाएंगे। तो ईमेल आपको कहां करना है, BeNaturalMeetAndGreet13@gmail.com ये है मेल आईडी, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिखा हुआ है ईमेल आईडी, तो वहां आप मेल करके मुझे बस इसी सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं। तो जो जवाब जल्दी देगा और जिसका जवाब बेस्ट होगा, तो उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और फिर उनके साथ हमारी पार्टी होगी, मतलब मैं मिलकर खाएंगे पियेंगे, डांस पार्टी, क्विज कॉन्टेस्ट और बहुत गुडीज और पता नहीं क्या क्या चीजें मैंने सोच रखी आप लोगों के लिए। अभी बता दूंगी तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तो इंतजार कीजिए, बहुत जल्द मैं वो ब्लॉग बना के अपने पे भी पोस्ट करूंगी। तो देखते हैं कितने लोग भी नेचुरल की फैमिली आपस में मिल पाते हैं। प्लीज टाइम निकालिए और हम मुझसे मिलने के लिए आइए और बताइए आपको ये सरप्राइज कैसा लगा।
इस मीट एंड ग्रीट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आपको बी नेचुरल का सब्सक्राइबर होना चाहिए, आपने बेल आइकन भी क्लिक किया है वो आप चेक कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक किया है ये भी आपको चेक करना है। तो सब्सक्राइब कीजिए बी नेचुरल, बी हेल्दी ब्लॉग्स और बी पॉजिटिव चैनल को। तीनों चैनल का लिंक पिन कॉमेंट में दे रखा है। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और उसके बाद आपको मेरे को मेल करना है, और मेल करने के बाद आपको कमेंट करना है बी हेल्दी पे कि आपने मेल कर दिया है। बस इतना सा ही करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करवा रही हूँ, और उसके बाद बहुत जल्दी मैं विनर्स के नाम सिलेक्ट करके उनको पर्सनली मेल करके इन्फॉर्म कर दूंगी कौन कौन मिलने आ रहा है। जितना मैंने प्लान किया है, पार्टी रूखी सूखी नहीं है, बहुत अच्छी खासी पार्टी है। जो जो आएगा वो बहुत मजे करने वाला है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लोग टाइम निकाल करके मुझसे मिलने आते हो तो। ट्रस्ट मी गर्ल्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज आना। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया हो और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीट एंड ग्रीट कॉन्टेस्ट में, कॉमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और।